हम सफल नहीं होते तो हमारे माँ बाप सफल नहीं होंगे, जब तक कि हमारे बच्चे सफल नहीं होंगे तो हम सफल नहीं होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च सिक्स। और आज बात करते हैं सर प्यार की, लव की, प्रेम की, क्योंकि ये जो ऐसा शब्द है सर, अगर किसी ने इसको दिल से अपनाया तो उसकी जो स्थिति, मौजूदा स्थिति है सर, वो प्यार भरी हो जाती है। सब अपनी स्थिति को सुधारने के नियम को और आगे बढ़ा लें, क्योंकि मैं अब आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों से ही आपको अच्छा और खुद को भी और अच्छा बनाने की तैयारी में लग चुका हूं। तो सब बात करते हैं सर प्रेम की। माँ बाप का प्रेम बहुत ही बच्चे के लिए लाभदायक होता है, और अगर उस माँ बाप ने बिल्कुल अच्छी नियत से, अच्छी चीज़ों से बच्चे को पुकारना, दुलारना, बुलाना ये रखा, तो मेरा मानना है कि आपके जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। बच्चे को गलतियों में प्यार से समझाना चाहिए, और अपने बच्चों की पक्ष में बिल्कुल भी ना खड़े रहें। अगर बच्चों की गलतियां हैं तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर, आपको उस गलतियों को बच्चे को बताना पड़ेगा और उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने गलती की है, उसे आप स्वीकार करें। अगर इस तरह की भावना हम अपने बच्चों के अंदर डालते हैं प्यार से, तो बच्चा हमारा बहुत ही अच्छा बनने की तैयारी में लग जाता है सर। बच्चे का निर्माण माता पिता के द्वारा होता है। मैंने आपको कहा था कि जब तक के हम सफल नहीं होते तो हमारे माँ बाप सफल नहीं होंगे, जब तक के हमारे बच्चे सफल नहीं होंगे तो हम सफल नहीं होंगे। तो एक ये सूत्र है, इस सूत्र को लेकर आपको चलना ही चलना पड़ेगा। पति पत्नी में प्यार सर, बाहर जाओ तो हर लोगों से प्यार, और जब ये प्यार की भावना आपके अंदर उमड़ेगी तो आप देखना आपके अंदर सर पैसों की बरसात क्या सर, आपको हर जगह हर चीज़ें अच्छी लगेंगी, चिड़िया की आवाज़ें अच्छी लगेंगी, झरनों की आवाज़ें अच्छी लगेंगी, और जो निगेटिव लोग आपसे मिलेंगे वो भी पॉजिटिव होकर आपके द्वार से जाएंगे जाएंगे, मेरा यह मानना है। लेकिन वो आपको सिर्फ प्यार प्यार से ही, प्रेम से ही आपके अंदर ये चीज़ें आएंगी, और किसी तरीके से आपके अंदर ये चीज़ें नहीं आ सकती। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ सर, दुनिया प्यार की भूखी है सर। किसी कुत्ते को पाल कर देखे सर, अगर आपने एक साल उसे अच्छी तरह पाल लिया ना सर, और आप 10 साल बाद उससे मिलोगे बिछड़ने के बाद, तो यकीन करना सर वो आपको बुढ़ापे में भी पहचान लेगा, और पहचानने के बाद वो आपको उतना ही प्यार करेगा जितना उसने आपसे पहले किया था, वो आपको कभी नहीं बोलता सर। तो प्यार में इतनी शक्ति है कि हर चीज़ जीती जा सकती है, और जीतने के नाम से ही मुझे याद आया कि प्यार हम भूलते जा रहे हैं, और उस प्यार को भूलने के चक्कर में ही हमने अपनी स्थिति को खराब कर लिया है सर। देख लेना, ये टेंशन जो हमने पाल रखी है, ये प्यार की भावना को जुदा करके ही पाल रखी है सर। गलतियों पे माफ़ी करना सीखें सर, और गलतियों को स्वीकार करना सीखें। जब तक कि आपने ये चीज़ नहीं कही तो कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, हर चीज़ होगी सिर्फ प्रेम से, प्यार से और लव से। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।